सभी को नमस्कार एवं सभी कार से केमिस्ट्री फर्स्ट ऑनलाइन क्लास में सभी का स्वागत है। तो अपना चैप्टर चला था डी ब्लॉक एलिमेंट्स, तो उसकी कुछ जनरल बातें कुछ पॉइंट थे अपन वो हो गए थे। आज का अपना पॉइंट रहेगा चुंबकीय गुण। चुंबकीय गुण बात आते, कोई भी तत्व चुंबकीय गुण कब प्रदर्शित होता है, तो जिस तत्व के पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं वे चुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं। तो किसी पदार्थ में जो चुंबकीय गुण होता है वह इलेक्ट्रॉन की दो प्रकार की गति के कारण उत्पन्न होता है, वो कौन सी है? तो नंबर एक है कक्षीय गति, जिसे बोलते हैं म्यू एल से। वो नंबर दो होता है चक्रण गति, इसे प्रदर्शित करते हैं म्यू एस से। यानी कक्षीय गति, इलेक्ट्रॉन कक्षीय गति और इलेक्ट्रॉन की चक्रण गति, कक्षीय गति यानी म्यू एल और चक्रण गति मीन्स म्यू एस, दोनों के कारण किस तत्व उसमें चुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं। तो यानी चुंबक के आघूर्ण की बात करें तो म्यू बराबर चुंबक के आघूर्ण किस प्रदर्शित करते हैं म्यू से, तो म्यू बराबर क्या हो जाएगा म्यू एल प्लस म्यू एस, यानी दोनों का जो योग होगा कुल चुंबक के आघूर्ण होगा म्यू, जो कक्षीय गति और चक्रण गति म्यू एल और म्यू एस के योग के बराबर होता है। ठीक है, परंतु जो संकरण तत्व होते हैं उनका अपन जन्म पढ़ा, उनका सामान्य इलेक्ट्रॉन विन्यास होता है एन माइनस वन डी एक से दस एन एस टू होता है। यानी इनका जो संक्रमण तत्व जो डिवलॉप के तत्व होते हैं इनका जो इलेक्ट्रॉन होते हैं बाह्यतम इलेक्ट्रॉन एन एस बाह्य वातावरण से अधिक संपर्क में रहता है, यानी बाह्य वातावरण से अधिक संक्रम के बाह्य वातावरण से अधिक संपर्क में होने के कारण जो इसका जो म्यू एल का मान होता है यानी कक्षीय गति कारण जो इसका चुंबकीय आघूर्ण होता है उसका मान कैसा होता है नगण्य, जिसकी वजह से इसका जो कुल जो चुंबकीय आघूर्ण होता है म्यू वह इसके म्यू एस के मान के बराबर ही होता है। यानी इसका कुल तत्व का जो कुल चुंबकीय आघूर्ण होगा म्यू और उसके जो चक्रण चुंबकीय आघूर्ण है म्यू एस उसके मान के बराबर ही होता है, क्योंकि उसका जो बाह्य वातावरण संपर्क में अधिक होने के म्यू एल का मान कैसा हो जाता है नगण, तो जो कुल चुंबकीय आघूर्ण होगा वह म्यू एस के मान के बराबर ही होता है। ठीक है, तो इस प्रकार हम देखते हैं चुंबकीय आघूर्ण, तो चुंबकीय आघूर्ण का होता है किसके कारण उत्पन्न होता है म्यू एल और म्यू एस के कारण, तो कुल चुंबकीय आघूर्ण दोनों के मान के योग के बराबर होता है। परंतु इसके अंतिम जो इलेक्ट्रॉन होते हैं जो बाह्यतम कोष के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं बाह्य वातावरण से अधिक संपर्क में होने के कारण जो म्यू एल का मान होता है नगण्य होने की वजह से कुल चुंबकीय आघूर्ण म्यू एस के योग के मान बराबर ही होता है। ठीक है, तो इस बार जो चुंबकीय गुण है इस चुंबकीय गुणों के आधार पर जो तत्व होते हैं इनको तीन भागों में बांटा गया है। तो नंबर एक है अनुचुंबकीय, नंबर दो है प्रतिचुंबकीय और नंबर तीन है लौह चुंबकीय। यानी तत्व को चुंबक के गुणों के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है तीन में, अनुचुंबकीय प्रतिचुंबकीय और लौह चुंबकीय। ठीक है, यानी जो चुंबकीय गुण होते हैं वो सब किस पर डिपेंड करते हैं अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या पर। तो नंबर एक कौन सा अपना अनुचुंबकीय, नंबर एक कौन सा लेते हैं अपन अनुचुंबकीय। यानी वे पदार्थ जिनके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं वे कौन से गुण प्रदर्शित करते हैं अनुचुंबकीय। ठीक, अनु मीन्स अयुग्मित, जिनके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं वे अनुचुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं। ठीक, जो ये पदार्थ होते हैं इनको जब चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो चुंबक के बल रेखाओं को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। जैसे मान लीजिए चुंबकीय एन, ये इसका ले लिया मैंने एस, ये कोई पदार्थ है अनुचुंबकीय पदार्थ, चुंबक के बल रेखाओं को क्या अपनी तरफ
और खींचे गए। यानी चुंबक के रेखाओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। और इस प्रकार जो तत्व होते हैं इनके जो चुंबक के आघूर्ण का मान होता है, इनके जो चुंबक के आघूर्ण का मान होता है वो निकलता है, प्रचक्रण सूत्र चलता है कि म्यू बराबर एन इजकल टू एन प्लस टू का अंडर रूट, म्यू बराबर एन इजकल टू एन प्लस टू का अंडर रूट। इस सूत्र से इसके चुंबक के आघूर्ण का मान निकल जाता है। या एन बराबर है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या है, जिसका जितने ज्यादा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे चुंबक के आघूर्ण म्यू का मान उतना ही ज्यादा आता है। ठीक है, ये तो थे अपने अनुचुंबकीय। नंबर दो है अपना प्रतिचुंबकीय। प्रतिचुंबक बता दें, वे पदार्थ जिनके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, सभी इलेक्ट्रॉन किसी भी युग्म में होते हैं, जोड़े के रूप में पाए जाते हैं, वो सभी क्या कहलाते हैं? प्रतिचुंबकीय पदार्थ। ये पदार्थ होते हैं जो चुंबकीय बल रेखाओं को, चुंबकीय बल रेखाओं को अपने से दूर भगाते हैं। यानी ये कोई पदार्थ है प्रतिचुंबकीय, यानी जो चुंबकीय बल रेखाएं उनको प्रतिकर्षित करते हैं। चुंबक बल रेखाओं को क्या करेंगे? प्रतिकर्षित करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? प्रतिचुंबकीय पदार्थ। ठीक है, और इसका चुंबक का आघूर्ण मान कैसा? क्यों सभी एन की वैल्यू कैसी आएगी? जीरो। सभी इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं? युग्मित। चुंबक का आघूर्ण मान कैसा आता है? जीरो। और जो नंबर तीन है अपना लौह चुंबकीय, ये जो पदार्थ होते हैं एक प्रकार से ये अनुचुंबकीय पदार्थ के समान ही होते हैं। यानी ये जो लौह चुंबक पदार्थ होते हैं इसमें से आप एक स्थायी चुंबक का निर्माण कर सकते हैं। जो अनुचुंबक पदार्थ होते हैं उनमें क्या होता था कि जब इसको चुंबक के क्षेत्र में रखते हैं तो ये चुंबक की भांति व्यवहार करते हैं, परंतु जैसे चुंबक के क्षेत्र से हटाते हैं ये चुंबक तो गुण में समाप्त हो जाता है। परंतु जो लौह चुंबक पदार्थ होते हैं इनमें चुंबक के क्षेत्र हटाने के बाद भी इसमें चुंबक का गुण पूर्ण रूप से नष्ट नहीं होता है। यही कारण है कि जो लौह चुंबक पदार्थ होते हैं इनसे एक स्थायी चुंबक, इनसे कौन सी चुंबक बनती है? स्थायी चुंबक का निर्माण किया जाता है। तो आज क्वेश्चन, स्थायी चुंबक का निर्माण किनसे किया जाता है? लौह चुंबक के पदार्थों से किया जाता है, और वो होते हैं एफी कोबाल्ट और निकिल। एफी कोबाल्ट और निकिल इनसे जो मिलकर होते हैं वो पदार्थ कैसे होते हैं? लौह चुंबकीय पदार्थ, यानी स्थायी चुंबक का निर्माण से किया जाता है। इस प्रकार जो अपने पॉइंट था चुंबकीय गुण संक्रमण तत्व यानी डी ब्लॉक तत्व चुंबकीय गुण कंप्लीट होता है। यह चुंबक के गुण किस कारण होते? कक्षीय गति और चक्रण गति के कारण उत्पन्न होते हैं। चुंबक के गुणों के आधार कितने भागों में बांटा गया है? तीन में, अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय और लौह चुंबकीय। इस प्रकार अपने चुंबकीय गुण समाप्त। धन्यवाद।